अतिशेष शिक्षक जो सरप्लस टीचर्स हैं, इनके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि अतिशेष शिक्षकों को काउंसलिंग के माध्यम से रिक्त पदों वाली शालाओं में पदस्थ किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। और इस संबंध में विस्तृत निर्देश इस आदेश में दिए गए हैं, जिसमें बताया गया कि काउंसलिंग कब होना है, इसमें कौन कौन से कर्मचारी शामिल होंगे और यदि काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं हुए तब किस प्रकार से कार्रवाई होगी, वो सभी कुछ निर्देश आपको इस आदेश में देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे हम आदेश देखें तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि अतिशेष शिक्षक किन्हें माना जाएगा। इस संबंध में बताया गया कि जो स्थानांतरण नीति के लिए आदेश जारी हुआ था 2022 को, 8/9/2022 को, इसकी खंडिका 3.2 के अनुसार इसमें अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया जाएगा। जैसे हम देखें जो आदेश जारी हुआ था स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 का, 8/9/2022 को, इसमें खंडिका 3.2 दी गई है, जिसमें बताया गया था कि अतिशेष शिक्षक किन्हें माना जाएगा। जिसमें बताया गया कि जो शिक्षक वर्तमान पदस्थापना वाली संस्था में सबसे ज्यादा समय से कार्यरत हैं, वे अतिशेष की श्रेणी में चिन्हित होंगे। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि जिस संस्था में कर्मचारी पदस्थ है, वहां पर उस संस्था में जो सबसे पहले से कार्यरत होंगे, अर्थात उस संस्था में जो सबसे वरिष्ठ होंगे, वे अतिशेष की श्रेणी में आएंगे। तो इस प्रकार से इसकी जो खंडिका है 3.2, जिसमें अतिशेष शिक्षकों का जो चिन्हांकन है विस्तृत रूप से किया गया है, बताया गया है कि किस प्रकार से अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया गया है। अब आदेश हम देखें कि इनकी काउंसलिंग किस प्रकार से होना है, तो काउंसलिंग के संबंध में इसमें बताया गया कि 28/2024 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में काउंसलिंग होगी, अतिशेष शिक्षक जो है ऐसे कर्मचारियों की काउंसलिंग होगी और इसके लिए प्रातः 10 बजे इन्हें उपस्थित होना है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा भी निर्देश प्राप्त हो जाएंगे और जो काउंसलिंग होगी ऑनलाइन वेबएक्स के माध्यम से होगी। जैसे उच्च पद प्रभार की जो काउंसलिंग हुई है या फिर इसके पूर्व भी हमने काउंसलिंग देखा, तो लगभग उसी प्रकार से काउंसलिंग अतिशेष शिक्षकों की भी होगी। अब इसमें आगे बताया गया कि इसमें श्रेणी निर्धारित की गई है कि अतिशेष शिक्षक जिस शाला में है उन्हें 2 श्रेणी में रखा गया है और श्रेणी के अनुसार उनकी काउंसलिंग होगी। जैसे संबंधित विषय में, जैसे यहाँ पर हम देखें श्रेणियां, ऐसे शिक्षक जो उच्चतर माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा गणित विज्ञान कृषि विषय से उत्तीर्ण है एवं प्रयोगशाला शिक्षक विज्ञान के पद की पात्रता रखते हैं, तो इस पद के लिए सबसे पहले काउंसलिंग की जाएगी। यदि उस संस्था में संबंधित पद जो है वो रिक्त है तो इस पद के लिए उनकी काउंसलिंग पहले कर ली जाएगी। और इसमें श्रेणी वह है, श्रेणी आ को छोड़कर से सभी जो आएंगे वो श्रेणी बा में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 2 श्रेणियों में जो काउंसलिंग है वो की जाएगी। साथ ही इसमें बताया गया कि यदि काउंसलिंग में जो अतिशेष शिक्षक हैं वे सम्मिलित नहीं होते हैं तब इन्हें इनका जो प्रशासनिक स्थानांतरण के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। जैसे हम देखें तो लास्ट में इसमें बताया गया है कि जिले के ऐसे अतिशेष शिक्षक जिनके द्वारा उक्त काउंसलिंग में भाग नहीं लिया जाएगा अथवा उपलब्ध रिक्त स्थानों में से किसी भी रिक्त स्थान का चयन नहीं किया जाएगा, ऐसे सभी अतिशेष शिक्षकों का शिक्षकों की कमी वाली शेष शालाओं में प्रशासकीय स्थानांतरण का प्रस्ताव दिनांक 30/8/2024 तक संचालनालय को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में संलग्न परिशिष्ट 2 के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें परिशिष्ट 2 भी दिया गया है। इसके अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा ऐसे कर्मचारियों की जो सूची है वो प्रेषित की जाएगी हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में। तो अतिशेष शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है और इस संबंध में प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा भी सूचना और जो आदेश है वो प्रेषित किए जाएंगे, क्योंकि समय अवधि यदि हम देखें तो 28/2024 को जो काउंसलिंग है वो आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रातः 10 बजे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अतिशेष शिक्षकों को बुलाया जाएगा। तो इस संबंध में विस्तृत निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा भी आपको प्राप्त होंगे। अब अतिशेष शिक्षकों की जो सूची है वो एजुकेशन पोर्टल पर भी अपलोड है, जिसे आप देख सकते हैं कि किस शाला से कौन से शिक्षक अतिशेष हैं। जैसे हम एजुकेशन पोर्टल पर देखें तो वर्तमान में भी एजुकेशन पोर्टल संभवतः अपडेट हो गया है, जिसमें अतिशेष शिक्षकों की जानकारी बताई गई है। एजुकेशन पोर्टल पर चेक करने के लिए जैसे अभी आप देखेंगे कि नया इंटरफेस आया है, पहले आप मेन मेनू पर क्लिक करके जो सरप्लस टीचर्स वाला ऑप्शन है उसे ओपन कर लेते थे। वर्तमान में यदि हम देखें तो आपको कोई ऑप्शन इसमें ओपन करना होगा। जैसे एक ऑप्शन हम ओपन कर लेते हैं और इसके बाद में जो मेन मेनू है
इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि इसमें सरप्लस टीचर्स का एक ऑप्शन आएगा, सरप्लस टीचर्स मैनेजमेंट सिस्टम, इसे आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद में यहाँ सरप्लस स्टेटस जो ऑप्शन दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज समरी, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे हमने इसे ओपन किया, ओपन करने के बाद में प्रदेश के सभी जिलों के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। आपको अपने जिले पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप आंकड़े देख सकते हैं। जैसे हमने जिले पर क्लिक किया तो इस जिले में जितने विकासखंड हैं उनके नाम आ जाएंगे और विकासखंड में कुल कितने स्कूल हैं, सैंक्शन पोस्ट कितनी है, वर्किंग कितने हैं और सरप्लस टीचर कितने हैं, इसकी संख्या आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसे आप ओपन भी करके देख सकते हैं। इसके लिए आपको विकासखंड के नाम पर क्लिक करना है। जैसे आप विकासखंड के नाम पर क्लिक करेंगे तो उस विकासखंड में जितनी शालाएं हैं उन सभी के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि शालाओं के नाम के सामने सैंक्शन पोस्ट दी गई है, वर्किंग पोस्ट दी गई है और सरप्लस टीचर्स कितने हैं उसकी संख्या दी गई है। तो आप केवल सरप्लस टीचर्स की जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप 3 शिक्षक यहाँ पर अतिशेष हैं। तो इसे चेक करने के लिए आपको डाइसकोड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डाइसकोड पर क्लिक करेंगे इसके बाद में यहाँ पर डाइसकोड आपको फिल मिलेगा। अब सिंपली जो कैप्चा कोड दिया गया है इसे फिल करके व्यू डिटेल पर क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक करेंगे और स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करके हम देखेंगे तो यहाँ पर बताया जाएगा कि इस शाला में विषयवार कितने सैंक्शन पद हैं, वर्किंग कितने हैं, पोस्टेड कितने हैं, सरप्लस कितने हैं और कितने यहाँ पर मार्क हुए हैं सरप्लस, अर्थात चिन्हांकन कितना हो गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 शिक्षकों का चिन्हांकन हुआ है जिनके नाम आप स्क्रीन को नीचे करके देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो रेड कलर से इसमें दिखाई दे रहा है जिसमें लास्ट में रिमार्क में सरप्लस लिखा हुआ है, तो वे शिक्षक यहाँ अतिशेष की श्रेणी में आएंगे। तो इस प्रकार से जो सरप्लस टीचर्स हैं इनके लिए आदेश जारी किया गया है जिनकी काउंसलिंग होना है और इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा भी आदेश जारी हो जाएंगे और इसके विस्तृत निर्देश के लिए जो आदेश जारी हुआ है इसका अवलोकन जरूर करें। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।